रोहित एक बहुत ही गरीब घर में पैदा हुआ था। रोहित ने जन्म से ही अपनी माँ को बीमार देखा था। उसके पिता अक्सर काम की तलाश में जाते लेकिन खाली हाथ ही वापस लौटते। क्या आज भी आपको कोई काम नहीं मिला? नहीं पुष्पा, आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला। गांव में कोई मुझे काम ही नहीं देता, क्योंकि क्योंकि मेरे पिता एक चोर थे। अब वो चोर थे तो इसमें भला मेरा क्या कसूर? इलाज ना मिल पाने के कारण रोहित की माँ स्वर्ग से धार गई। रोहित के पिता अकेले ही रोते रहे। उस गरीब के घर कौन सहानुभूति जताने आता? पत्नी की मृत्यु के बाद रोहित के पिता का मन टूट गया। उन्होंने भी खटिया पकड़ ली। अब बेचारा रोहित ही उनकी देखभाल करता। रोहित बाकी गांव के बच्चों की तरह पढ़ना चाहता था। एक दिन वो गांव के सरकारी स्कूल में पहुंचा। मास्टर जी, मेरा किसी भी कक्षा में दाखिला कर दीजिए, मैं पढ़ना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे दादा और पिता दोनों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, तुम्हें यहाँ किसी भी कक्षा में दाखिला नहीं मिलेगा। मास्टर ने रोहित को भगा दिया। रोहित रोता हुआ गांव के सरपंच के पास गया। सरपंच काका, मास्टर जी मुझे स्कूल में दाखिला नहीं दे रहे, वो कहते हैं कि मेरी संगत में और भी बच्चे बिगड़ जाएंगे। वो ठीक ही कहते हैं, अगर मास्टर ने तुम्हें स्कूल में एडमिशन दे दिया होता तो मैंने तुम्हें बाहर निकलवा दिया होता। रोहित रोते हुए घर पहुंचा। उसने सारी बात अपने बीमार पिता को बताई। इस गांव के लोगों से कोई उम्मीद मत रखो बेटा, अगर तुम्हें पढ़ना है तो मैं तुम्हारा स्कूल में दाखिला तो नहीं करा सकता, लेकिन मेरा एक कबाड़ी दोस्त है, वो घरों से कबाड़ा इकट्ठा करता है, उसके पास तुम्हारे लिए कुछ किताबें जरूर होंगी। रोहित के पिता कमजोरी के कारण चल नहीं पाते थे, लेकिन वो अपने बेटे की खातिर किसी तरह लकड़ी टेक कर चलते हुए अपने कबाड़ी दोस्त के पास पहुँचे। अगर तुम्हारे पास कुछ किताबें हो तो दे दो ना। अरे बहुत सी किताबों का ढेर पड़ा है, तुम्हें जितनी चाहे हो उठा कर ले जाओ। रोहित के पिता अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक बोरे में किताबें भरकर ले आए और रोहित को दे दी। इत्तफाक से वो सारी किताबें विज्ञान की उठा लाए थे। रोहित ने किताबें पढ़ना शुरू की। उसकी किताबों में रुचि बढ़ती गई। बेटे, अगर तुझे और किताबें चाहिए तो तू कबाड़ी का ही काम शुरू कर दे, बार बार मैं रामलाल के घर किताबें लेने नहीं जा सकता। रोहित ने कबाड़ लेने का काम शुरू कर दिया। यही काम करते करते वो बड़ा हो गया। रोहित थैला लेकर गली में आवाज लगा रहा है, कॉपी किताबें न्यूज़पेपर की रद्दी बेचो, सिलेबस की किताबें पढ़ने का मन ना हो तो उन्हें भी बेचो। रोहित सरपंच के घर के पास से गुजर रहा था, तभी सरपंच की बेटी बाहर निकल आई। तुम ये किस तरह की आवाजें लगा रहे हो? अरे बहुत से लोग अपने घरों में किताबों का ढेर इकट्ठा करके रख लेते हैं, लेकिन उन्हें पढ़ते नहीं, मैं उन्हीं के लिए आवाज लगा रहा हूँ। तुम ठीक कह रहे हो, मेरा भी यही हाल है। पता नहीं बचपन से लेकर आज तक कितनी किताबें मेरे पास रखी हुई हैं। आज मैं उन्हें बेच ही डालती हूँ। रोहित को कबाड़ में जो भी किताब मिलती वो उन्हें पढ़ डालता। उसने किताबों से विज्ञान का काफी ज्ञान इकट्ठा कर लिया था, लेकिन उसका ज्ञान अव्यवस्थित और असैद्धांतिक था। कुछ वर्षों बाद रोहित के पिता की मृत्यु हो गई। अब रोहित को घर में अकेलापन महसूस होने लगा। वो अपना घर बसाना चाहता था। रोहित कई घरों में अपनी शादी की बात करने गया, लेकिन उसकी गरीबी के कारण किसी ने उससे रिश्ता जोड़ने की इच्छा नहीं जताई। लगता है घर बसाने के लिए पहले मुझे अमीर बनना होगा। रोहित काम की तलाश में शहर चला गया। उसने बहुत से स्कूलों में जाकर कहा कि वो साइंस पढ़ा सकता है, लेकिन सबने उससे डिग्री मांगी जो उसके पास नहीं थी। सर, मैं बच्चों को साइंस पढ़ा सकता हूँ, क्या आपके स्कूल में साइंस टीचर की जरूरत है? तुमने कहाँ से शिक्षा हासिल की है? अपने सर्टिफिकेट दिखाओ। सर, मेरे पास कोई सर्टिफिकेट तो नहीं है, मैंने तो कबाड़ी की किताबों से ही ज्ञान हासिल किया है। निकल जाओ यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। उसके पास पैसे भी नहीं बचे थे। वो थक हार कर सड़क पर एक बंगले के सामने पेड़ की छाया में बैठ गया। अरे बेटा कौन हो तुम, जाओ यहाँ से, सर आते ही होंगे। अरे भाई, क्या किसी को सड़क पर बैठने की भी इजाजत नहीं? ये गरीबों के लिए ये दुनिया इतनी कठोर क्यों है? सिक्योरिटी गार्ड और रोहित बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ बंगले के मालिक की कार आ गई। अरे
कौन है ये? तुम इसे क्यों डांट रहे हो? अरे सर, पता नहीं कौन है ये और यहाँ क्या कर रहा है? अब सर, मेरा नाम रोहित है। मैंने कबाड़ी से किताबें इकट्ठे करके साइंस की नॉलेज हासिल की है, लेकिन डिग्री ना होने की वजह से मुझे कहीं काम ही नहीं मिल रहा। कार में बैठा आदमी एक वैज्ञानिक था। वो हर जगह रोबोटिक्स पर व्याख्यान देने जाता था। वैज्ञानिक खुद भी गरीब रहा था, इसीलिए उसे रोहित से हमदर्दी हुई। मुझे अपने लैब में एक असिस्टेंट की जरूरत है, तुम मेरे साथ काम कर सकते हो? वैज्ञानिक की लैब में कई रोबोट्स थे जिन्हें वो इंसानों जैसा बनाने की कोशिश कर रहा था। रोहित ने रोबोटिक्स पर ढेर सारी किताबें पढ़ी और एक्सपेरिमेंट्स भी करने सीखे। कुछ वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद रोहित ने रोबोट बनाना और संचालित करना सीख लिया। गांव वालों ने मुझे और मेरे पिता को हमेशा चोर समझा, अब मैं उन्हें जरा मजा चखाता हूँ। रोहित गांव गया और उसने गांव में क्या क्या चल रहा है इसकी जानकारी हासिल की। मास्टर मुकेश, जिसने कभी रोहित को स्कूल में दाखिला नहीं दिया था, अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रहा था। एक दिन गांव में एक बहुत ही सुंदर और फैशनेबल लड़की आई। जब वो गांव से गुजर रही थी तो पूरे गांव ने उसे देखा, लेकिन कोई भी उससे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। लड़की नदी किनारे जाकर बैठ गई। मास्टर का बेटा अरविंद पढ़ा लिखा था। वो नदी किनारे गया और उसने लड़की से बात करने की हिम्मत की। अब क्या आप गांव में किसी के घर में रिश्तेदार हैं? नहीं, मैं ये गांव घूमने आई हूँ, लेकिन यहाँ कोई होटल नहीं है जहाँ मैं ठहर सकूँ। अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो आप मेरे घर रुक सकती हैं। पहले मुझे देखना पड़ेगा कि तुम्हारे घर प्राइवेसी है या नहीं। अरविंद लड़की को अपने घर ले गया और उसने लड़की को घर दिखा कर कहा, ये वाला पूरा कमरा आपके लिए, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। लड़की ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। वो लड़की अंदर से एक रोबोट थी। उसने सॉकेट में चार्जर लगाकर खुद को चार्ज किया। रोहित लैब में बैठा रोबोट के माध्यम से सब कुछ देख रहा था। इन रोबोट्स को चलाने में सबसे बड़ा चैलेंज चार्जिंग का है। अगर चार्जिंग डाउन हुई तो पोल खुल जाएगी, मुझे चार्जिंग का ध्यान रखना होगा। उधर मास्टर ने अपने बेटे से पूछा, अरे अरविंद, तू ये किस लड़की को घर ले आया है? अब ये लड़की शहर से आई है, हमारा गांव घूमना चाहती है। गांव में कोई हॉस्टल नहीं है, इसलिए ये कुछ दिन हमारे घर रुकेगी। असल में ये लड़की मुझे पसंद है पिताजी, जब ये यहाँ से जाएगी तो मैं इससे अपनी शादी की बात करूंगा। अरे पर बेटा, मैंने तुझे कई लड़कियाँ दिखाई हैं, क्या तुझे उनमें से कोई पसंद नहीं आई? नहीं, कोई भी लड़की इतनी इंटेलिजेंट और सुंदर नहीं जितनी ये है। इसके पास पूरी दुनिया की जानकारी है, इसका दिमाग बिल्कुल कंप्यूटर जैसा है पिताजी। अरे मैं हिस्ट्री का टीचर हूँ, क्या ये मेरे जितनी हिस्ट्री जानती है? अभी शायद वो सो रही है, कल आप उससे खुद ही पूछ लेना। अगले दिन अरविंद ने लड़की को अपने पिताजी से मिलवाया। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? मेरा नाम सरस्वती है। नूरजहां कौन थी? नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। वो ईरान के निवासी मिर्जा गयास की बेटी थी। मेहरुन्निसा के पति की मौत के बाद जहांगीर ने उससे विवाह किया था और उसे नूरजहां की उपाधि दी थी। चंद्रयान 3 को कहां पर लैंड कराया गया है? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। बहुत खूब बेटी, बहुत खूब, तुम तो साक्षात सरस्वती ही हो। उस दिन घूमने फिरने के बाद सरस्वती शाम को घर लौटी और उसने कमरा बंद कर लिया। अरविंद ने खाना खाने के बाद अपने पिता से कहा, पिताजी, सरस्वती अपने घर जाए इससे पहले ही मैं उससे शादी कर लेना चाहता हूँ। अरे लेकिन बेटा, उसके घर वालों से तो मिल लेते। वो सब बाद में हो जाएगा पिताजी, अगर सरस्वती जैसी लड़की हाथ से निकल गई तो मुझे बहुत पछतावा होगा। सरस्वती को देखकर ही पता लगता है कि उसका परिवार शिक्षित और अमीर होगा। अरे लेकिन शादी से पहले तू उससे एक बात जरूर पूछ लेना कि वो कमरा बंद करके इतने अकेले में क्यों रहती है। अगले दिन जब सरस्वती बाहर आई तो अरविंद ने उससे पूछा, तुम कमरा बंद करके अंदर क्या करती हो? वो मैं मेडिटेशन करती हूँ। मेडिटेशन यानी ध्यान? तभी मैं कहूँ तुम्हारा दिमाग इतना शांत और फुर्तीला कैसे है। दरअसल बात यह है सरस्वती, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे इस लायक समझती हो? तुम्हारी और मेरी कोई तुलना तो नहीं की जा सकती, लेकिन मुझे ये गांव पसंद है, इसलिए मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ।
अरविंद और सरस्वती की शादी हो गई। सुहागरात को सरस्वती दरवाजा बंद करके खुद को चार्जिंग पर लगाकर बैठ गई। अब सरस्वती दरवाजा खोलो, पूरी रात मेडिटेशन करोगी। सरस्वती ने दरवाजा खोलकर कहा, मुझे खुजली हो गई है, तुम कुछ दिन मुझसे दूर ही रहो वरना तुम्हें भी हो जाएगी। अरे ये अरविंद तो सरस्वती के पीछे ही पड़ गया है, अब जल्दी से टारगेट फिनिश करना होगा। एक रात जब अरविंद का परिवार सो रहा था तो सरस्वती ने अरविंद और मास्टर के मोबाइल अपने सिस्टम से जोड़कर हैक कर लिए और उनका सारा अकाउंट बैलेंस साफ कर दिया। उसने घर में रखे माल जेवर की भी चोरी कर ली और घर से निकल गई। अगले दिन जब अरविंद और मास्टर उठे तो उन्होंने देखा सरस्वती का कमरा खुला पड़ा है और सरस्वती गायब है। पापा सरस्वती कहाँ गायब हो गई? अरे कहीं किसी ने उसे किडनैप ना कर लिया हो, तुम पुलिस को फोन करो, मैं गांव में ढूंढता हूँ। अरविंद ने पुलिस से बात करने के बाद अपने फोन का रिचार्ज कराया लेकिन उसके अकाउंट में बैलेंस ही नहीं था। अरविंद दौड़कर मास्टर के पास पहुँचा। पिताजी मेरा पूरा अकाउंट बैलेंस गायब है। मास्टर ने अपना अकाउंट बैलेंस चेक किया, फिर उन लोगों ने घर पहुंचकर तिजोरी चेक की। अरे हम लूट गए बेटा, वो लड़की तो ठगिनी थी। रोबोट अरविंद के घर हिडन कैमरे लगाकर गया था, रोहित सब कुछ लाइव देख रहा था। बहुत खूब सरस्वती, अब सरपंच की बारी, उसका मन भी अपने बेटे की शादी के लिए बहुत व्याकुल है। रोहित ने रोबोट का चेहरा बदल दिया, उसने रोबोट की ड्रेस और बिहेवियर में भी कुछ चेंज किया। अब तुम्हारा नाम होगा वैशाली, तुम सरपंच के बेटे मनोज के पास जाने के लिए तैयार हो? सरपंच का बेटा मनोज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, वो शहर में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था। रोबोट वैशाली उस कंपनी में काम करने पहुंची। कंपनी के बाकी वर्कर्स तो काम करते हुए थक जाते थे लेकिन वैशाली बिना थके बिना लंच किए सुबह से शाम तक लगातार काम करती। अगर बॉस उसे कोई एक्स्ट्रा काम देते तो वो उसे भी निपटा देती। जल्द ही वैशाली कंपनी की सीईओ बन गई। उसने मनोज से दोस्ती बढ़ाना शुरू की। हाय मनोज। हाय मैम। तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो, क्या तुम अपने गाँव जा रहे हो? हाँ मैं एक साल से अपने गांव नहीं गया, इसलिए मैंने पूरे एक महीने की छुट्टी ली है। क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? मुझे गांव का धूल मिट्टी वाला हरा भरा माहौल बहुत पसंद है। वैशाली मनोज के साथ उसके घर पहुंची। क्या मुझे एक अलग रूम मिल पाएगा? हाँ हाँ क्यों नहीं, हमारा घर बहुत बड़ा है। वैशाली ने जब रूम बंद कर लिया तो सरपंच ने मनोज से पूछा, अब ये लड़की कौन है बेटा? ये मेरी कंपनी की सीईओ है, यानी तुमसे ज्यादा कमाती है? हाँ उसकी पोस्ट मुझसे बड़ी है। तू इस लड़की से अपनी शादी की बात कर ले, अगर तेरी इससे शादी हो गई तो मेरी इनकम ट्रिपल हो जाएगी। मनोज ने अगले दिन वैशाली से शादी की बात की, वैशाली ने शादी के लिए हाँ कर दी। मनोज ने सपने देखने शुरू कर दिए। अब मैं एक शहर में एक फ्लैट खरीदूंगा और एक कार भी, लेकिन उससे पहले अल्ट्रा एचडी स्मार्ट टीवी, होम थिएटर। उधर वैशाली सरपंच के मोबाइल को हैक करके सारा बैलेंस साफ कर रही थी। एक दिन रोबोट के चार्जिंग पॉइंट में कोई खराबी आ गई। दोपहर तक वैशाली का कमरा नहीं खुला। मनोज उस दिन वैशाली को सिनेमा हॉल ले जाना चाहता था। अब वैशाली दरवाजा खोलो, क्या अभी तक सो रही हो? रोबोट ने फटाफट खुद को ठीक करके कपड़े पहने और दरवाजा खोला। मनोज ने वैशाली का हाथ पकड़ा और बाइक पर बैठाकर उसे सिनेमा हॉल ले गया। एक घंटा ही बीता था, वैशाली की चार्जिंग डाउन होने लगी। रोहित लैब में वैशाली के अंदर आ रही आवाज को सुनता है। चार्जिंग डाउन, चार्जिंग डाउन। अरे अरे नहीं, ये तो प्रॉब्लम हो गई। मनोज मुझे इसी समय घर जाना है। लेकिन हुआ क्या, ये तो बताओ। मुझे पीरियड्स आ रहे हैं, जल्दी घर चलो। वैशाली रास्ते में ही गिर पड़ी। मनोज ने जब वैशाली को उठाया तो वैशाली का एक जूता निकल कर गिर गया और रोबोट का पंजा दिख गया। फिर तो सारी पोल खुल गई। मनोज वैशाली को लेकर घर पहुंचा। पापा ये लड़की नहीं रोबोट है, किसी ने हमें उल्लू बनाया। अरे ये रहा इसका चार्जर,
आज मैंने इसके कमरे की तलाशी ली थी तब ये मुझे मिला। मेरे अकाउंट में एक भी रुपया नहीं है। इस रोबोट ने सारे पैसे किसी और बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। खबर सुनकर मास्टर और अरविंद भी वहाँ पहुँचे। अरे सरपंच जी, हमें भी अपने घर में ऐसे ही चार्जर मिला। इस रोबोट ने हमें भी लूटा था। सरपंच ने साइबर पुलिस से पूरी छानबीन कराई तो पुलिस रोहित तक पहुँच गई। वो रोहित को पकड़कर गांव में लाई। अरे सरपंच जी, यही वो छोकरा है जो रोबोट को संचालित कर रहा था। अरे रोहित कबाड़ी वाला, तू? अब हाँ मैं। तुम लोगों ने मुझे शिक्षा से वंचित रखा और मुझे और मेरे पिता को हमेशा चोर समझा, इसलिए तुम लोगों से बदला लेने के लिए मैंने ये सब किया। अरे सरपंच जी, इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जब ये पूरी जिंदगी जेल में सड़ेगा तो इसे मजा आएगा। तभी वहाँ सरपंच की बेटी आई। नहीं पापा, रोहित इंटेलिजेंट है। आप लोगों ने भी तो इसके साथ दुर्व्यवहार किया था, इसे माफ कर दीजिए। मैंने जब रोहित को अपनी किताबें बेची थी तभी मुझे रोहित से प्यार हो गया था। मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। बेटी की वजह से सरपंच का गुस्सा ठंडा पड़ गया। ठीक है, मैं इसे माफ करता हूँ, लेकिन ऐसी हरकत दोबारा मत करना। अरे लेकिन हमारे पैसों का क्या? अरे आप सबके पैसे सुरक्षित हैं। वो तो बस मैं आप लोगों को सबक सिखाना चाहता था। रोहित ने मास्टर और सरपंच के पैसे वापस कर दिए और सरपंच की बेटी से शादी करके एक खुशहाल जीवन बिताने लगा।